राजौंद नगर पालिका में आज चेयरपर्सन बबीता व 12 पार्षदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ SDM नवीन कुमार ने दिलाई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान भाजपा का कोई मंत्री व नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त चेयरपर्सन बबीता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता राजौंद में पानी की निकासी को लेकर रहेगी तथा वे 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगी। जब पत्रकारों ने उनसे फर्जी डिग्री के आरोप पर सवाल पूछा तो वे बोली कि ऐसे आरोप तो चलते रहेंगे। जिस दौरान शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो बाहर धरने पर आज़ाद चुनाव लड़ने वाले कर्ण सिंह ने भाजपा के खिलाफ नारेबाजी भी की। आइए सुनाते हैं शपथ ग्रहण के बाद क्या बोली चेयरपर्सन बबीता व आरोप लगाने वाले कर्ण सिंह। मैम, राजौंद एरिया विकास कार्यों में काफी पीछे चल रहा है। मैम जी, एक फर्जी डिग्री का आरोप लगाया जा रहा है, वो कितना सही है? तो कैसा आगे कार्यभार है, वो कैसा रहेगा? आगे अच्छा ही रहेगा, कार्य भी अच्छे चलेगा, मतलब सारे काम अच्छे ही होंगे। तो शपथ के बाद सबसे पहले प्राथमिकता किस कार्य को लेकर होगी आपकी? पहले तो मैं ये पानी की निकासी है, तो इसके बारे में थोड़ा करने का सोच नरेश जी की प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मैंने आज से लगभग एक महीना पहले इनको अर्जी दी थी, अपील की थी कि इसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाए। मुझे दिन प्रतिदिन गुमराह किया जा रहा है। कभी बोले भी आप RTI लगाओ, कभी कहते भी ये कागज रह गया, कभी कहते वो कागज रह गया। उसके बावजूद भी जब मैंने इनको बिल्कुल प्रूफ दे दिया लाके कि भाई ये नकली है, प्रयागराज की है, 2020 में बनी हुई है, मेरे पास इसका पूरा चिट्ठा है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी क्लास, ये 4th क्लास में सेटी हुई है, मेरे एक मित्र हैं नैन भंडारी की रहने वाली है ये। करण जी, जैसे अभी शपथ समारोह भी चला हुआ है चेयरमैन सब के लिए और SDM साहब भी मौके पर पहुंच गए, जब आपने पहले ही दस्तावेज प्रशासन को सौंप दिए थे, क्या अब हम ये मान लें कि वो ओके हैं जब उनको शपथ दिलाई जा रही है? ये तो जी प्रशासन को पता है जी, मुझे तो किसी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया अभी तक, भी इनके कागज ओके हैं या ओके नहीं है। बस ये कि इनके अपनी सरकार है, अपना प्रशासन है, गरीब लोगों पर अपना दबाव बना रहे हैं, सरकार पर अपना दबाव बना रहे हैं, सरकार इनके दबाव में है, पूर्णतः दबाव में है। मैंने अभी अपना टेंट लगाया था नगर पालिका के बाहर, हम लगभग 50-100 आदमी थे, पुलिस आई, हमारा टेंट को उखाड़ दिया, फेंक दिया वहाँ से उठा के, और बोले कि भाई आप यहाँ से चले जाओ वरना आप लोगों को डंडे पड़ जाएंगे। तो इस तरह का है भाई, मेरी तो आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, न्यायालय जी से और DC साहब से दोबारा फिर अपील है कि मेरे सुनवाई की जाए। करण जी, DC साहब को कब सौंपी गई थी आपने? मैंने 10 दिन पहले इनको सौंपी हुई जी। तो DC साहब ने क्या जांच? उन्होंने सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया है कि जानकारी चल रही है। आप धरना दे रहे हैं लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि कानून को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, किसी को कानून का हाथ में नहीं। मैं कानून, अगर आपको लगता है कि मैं कानून हाथ में ले रहा हूँ तो मुझे अंदर कर दे। अगर मैं कानून को हाथ में ले रहा हूँ, मैं कोई काले झंडे दिखा रहा हूँ किसी अधिकारी को, किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, SC बिरादरी के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, 36 बिरादरी के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ।